हेलो दोस्तों, फैन पे में एक न्यू प्रॉब्लम आ रहा है जो कि UPI ID रिस्टोरेशन को लेकर जो कि आ रहा है। तो कैसे उस प्रॉब्लम को आप लोग हल कर सकते हैं, आखिर वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, चलिए आपको हम बताते हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है फैन पे में जब आप रिस्टोर जो कि करने जा रहे हैं, तो आखिर क्यों आ रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। आखिर हमें मैसेज हमको कैसे मिला, तो एक फ्रेंड ने हमें मैसेज किया कि देखिए हमारा UPI ID जब हम रिस्टोर करने जा रहे हैं तो इस तरीके का एरर आ रहा है। चलिए उनके लिए स्पेशल वीडियो नहीं है, सभी के लिए है, चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग हल करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग फैन पे ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो हमारे सामने होम पेज ओपन हो जाएगा फैन पे ऐप का, जो कि आप लोग देख सकते हैं। होम पेज ओपन हो जाने के बाद हम लोग अपने UPI ID को रजिस्टर करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन दिखाई आ रहा होगा अप में, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्टर UPI का ऑप्शन देखने नजर आ रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ प्रोसेस जो कुछ बताया जा रहा है कि कैसे आप रजिस्टर अपने UPI ID जो कि कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा नीचे तरफ आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड SMS टू वेरीफाई वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो मोबाइल नंबर पर SMS से कुछ सेंड जो कि किया जा रहा है। चलिए इस प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट हो जाने देंगे। वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है सेंडिंग SMS टू वेरीफाई योर फोन नंबर, वही ऑप्शन हमारा जो कि फेल्ड हो गया। आखिर क्यों फेल्ड हो गया, चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देख थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको रीट्राई SMS का ऑप्शन देखिए नजर आ रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो रहा है। द SMS कुल नॉट बी डिलीवर्ड, देखिए आपको बताया जा रहा है कि आपका SMS है जो कि डिलीवर जो कि नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं फुल यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ है, SMS वाज नॉट डिलीवर्ड टू आवर सर्वर्स, प्लीज चेक योर SMS बैलेंस एंड रिट्राई अगेन। यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि जो आपका मोबाइल नंबर है उसमें आपका SMS बैलेंस नहीं है, इस वजह से जो कि आपका रजिस्टर UPI ID जो कि नहीं हो पा रहा है। अगर इस तरीके के एयर अगर आपके पास भी आ रहा है तो सबसे पहले आपको करना है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसमें पहले आप लोग मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए, करने का मतलब SMS बैलेंस रिचार्ज जो कि कर लीजिए, तभी आप इस जो रजिस्टर अपना UPI ID जो कि कर जो पाइएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एंड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए।